तो भाई जंगल एडवेंचर मूवीज देखना भला किससे पसंद नहीं है। इस मूवी कैटेगरी से भाई एक अलग ही वाइब आती है, इसीलिए आज मैं जंगल एडवेंचर पे बनी ऐसी 6 मूवीज लेके आया हूँ जो मैंने खुद भी देखी है, जो काफी ज्यादा ऑसम भी है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6 पे जो मूवी है उसका नाम है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। वो कोई सरफिरा नहीं है, वो मेरे दादाजी है। उस रहस्यमय द्वीप की खोज में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। इस मूवी में हमें शॉन नाम का एक बंदा देखने को मिलता है जिसके फादर मर चुके हैं और उसके ग्रैंडफादर एक मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढते ढूंढते कहीं पे गायब हो चुके हैं। लेकिन एक दिन उसको अचानक से कुछ रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं जिसपे उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और उसे ऐसा लगता है कि ये कोऑर्डिनेट्स उसके ग्रैंडफादर ने उसे भेजे उस मिस्टीरियस आइलैंड से। इसलिए शॉन अपने स्टेप डैड के साथ उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने के जर्नी पे निकल पड़ता है और जब वो उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं तब वहां पे क्या कुछ होता है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ये मूवी 2012 में आई थी और उस हिसाब से इस मूवी का वीएफएक्स काफी कमाल का है। ये वाली मूवी मैंने बहुत सालों पहले देखी थी लेकिन आज भी ये मूवी देखने के लिए सही लगती है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम पे देख सकते हो। नंबर 5 पे जो मूवी है उसका नाम है जंगल क्रूज। इसमें डॉक्टर लिली नाम की एक साइंटिस्ट होती है जिसे एक ऐसे जादुई पेड़ के बारे में पता चला होता है जिसके फूल से किसी भी बीमारी को क्योर किया जा सकता है और तो और कोई भी इंसान इस पेड़ की वजह से इमॉर्टल भी हो सकता है। डॉक्टर लिली को तो इस पेड़ की मदद से इंसानियत का भला करना है लेकिन ऐसे भी कुछ लोग है जो खुद को अमर बनाने के लिए इस पेड़ के पीछे पड़े लेकिन उस पेड़ का लोकेशन किसी को भी पता नहीं है और तो और जिस जंगल में ये पेड़ है वो जंगल भी श्रापित है। तो डॉक्टर लिली अपने दोस्त फ्रैंक के साथ इस पेड़ को किस तरह से ढूंढती है वो आपको ये वाली मूवी देख के पता चलेगी। ये वाली मूवी आपको हॉटस्टार एंड अमेजोन प्राइम पे देखने को मिलेगी। मस्त मूवी, एक बार जरूर देख लेना। देन नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है द जंगल बुक। लगता है यही कहीं कोई इंसानी पिल्ला है। ये मेरा बच्चा है, इसे बचाना चाहते हो? मैं तुम सबको चबा जाऊंगा। मौली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। कभी मत भूलना, चाहे जहां रहो, जैसे जिस नाम से पुकारे जाओ, तुम हमेशा मेरे ही बेटे रहोगे। ये मोगली की कहानी है जिसका कार्टून हमने बचपन में देखा था। ये वही सेम स्टोरी है लेकिन अब आप लोग बोलेंगे सेम स्टोरी है तो देखने में मजा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस मूवी का वीएफएक्स एकदम टॉप नॉच है और अगर आपने एक बार इसको देखना शुरू कर दिया तो आप इस मूवी को खत्म करके ही उठोगे। सो मस्ट वॉच दिस वन ऑल्सो। नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है द लायन किंग। ये सिम्बा की कहानी है जिसकी एनिमेटेड मूवी हमने पहले ही देख के रखी है लेकिन ये मूवी इसका लाइव एडेप्टेशन है और हाँ इसकी स्टोरी भी सेम ही है कि सिम्बा का चाचा सिम्बा के बाप को मार देता है क्योंकि उसे जंगल का राजा बनना होता है। कुछ साल बीत जाते हैं और जब सिम्बा बड़ा हो जाता है तब वो अपने बाप का बदला लेने के लिए वापस आता है। इसके वीएफएक्स भी भाई मस्त है, बीच बीच में कॉमेडी भी है और इसकी खास बात यह है कि पहले भी हमने ये मूवी देखी है लेकिन फिर भी इसको देखने का मन करता है। फिर हमारी अगली मूवी जो है उसका नाम है स्कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये बंदर है क्या? इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कुछ साइंटिस्ट लोग होते हैं जो एक मिस्टीरियस आइलैंड पे कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। वो एक आर्मी बटालियन के साथ उस आइलैंड पे जाते हैं और वहां जाके एक धड़ाधड़ से बॉम्ब गिराने लगते हैं जैसे कि आइलैंड उनके बाप का हो। लेकिन उस आइलैंड का एक राजा है अपना किंग कॉन्ग, वो भाई आधी आर्मी को स्टार्टिंग में ही मार देता है और यहाँ पे सिर्फ किंग कॉन्ग ही नहीं उसके जैसे बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनसे भी इनको बचना है। तो ये सब लोग उस सिचुएशन में किस तरह से सर्वाइव करते हैं वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। भाई लोग काफी ऑसम मूवी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। एंड देन फाइनली नंबर 1 पे आते हैं माय पर्सनल फेवरेट जुमांजी वेलकम टू द जंगल। इस मूवी में हमें कुछ दोस्त दिखाए गए जो एक पुराने गेम को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम भी जुमांजी है लेकिन वो गेम जैसे ही स्टार्ट होती है उनकी पूरी टीम उस गेम के अंदर घुस जाती है। अब वो सब लोग गेम के अंदर फंस चुके हैं और उनके पास सिर्फ 3 लाइफलाइन है तो अगर गेम में आप मरोगे तो उस गेम से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। इन सबको एक एक करके पहेलियां सुलझानी होती है यानी एक एक करके गेम के स्टेजेस को कम्प्लीट करना होता है। इस मूवी के अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं और भाई दोनों भी पार्ट बिल्कुल मस्त है, इनमें आपको ढेर सारा एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो ये मूवी भाई मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मेरा नाम है ऋषिकेश एंड कीप वॉचिंग द आरके एक्सप्लेन।